स्वागत है आप लोग का LMNU BCOM सेमेस्टर 1 हिंदी की क्लास में। तो भैया पहले तो हिंदी जो आपका क्या आता था, MCQ बेस आता था, बट आपका जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है एंड अब जो है वो थ्योरी पेपर हो गया है। ठीक है, अब थ्योरी पूछा जाएगा, सेमेस्टर वाइज आपकी एग्जाम होगी। तो सेमेस्टर 1 में जो आपका हिंदी है ना, उसका एक चैप्टर है भय। क्या नाम है सर? भय, जिसे किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। नाउ हमें पढ़ना है वो पूरी कहानी भाई, क्या है वो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी मैं कराऊंगा ना वो VVI होंगे, समझ गए ना, उन्हीं से आएगा, उनसे बाहर कोई भी नया क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जो इस हमारे चैनल पर हर कुछ कराएंगे, जितने इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है हिंदी में वो सब करवा देंगे, आपको चिंता मत नहीं करना। ठीक है, तो आज हिंदी का पहला क्लास है तो मज़े में पढ़ेंगे, थोड़ी बातचीत भी होगी बट अपन मज़े में पढ़ेंगे। तो हिंदी के चयनित गद्य रचनाएं, ठीक है, तो अपन का पहला चैप्टर है भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये चीज़ याद रखना कि भय किसने लिखा है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा सर? क्वेश्चन आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भय शीर्षक निबंध का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, तो अपन को पहले तो बताना होगा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो हम यहाँ बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म सन 1869 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वोच्च गद्यकार माना जाता है। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित करने में इनका विशिष्ट योगदान है। मतलब कि भैया इनको गॉड कर दो हिंदी का। क्यों? क्योंकि सर इनका जो नाम है ना वो बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मैं आपको याद करा दूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, आप कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम में भर के पेज भर भर के लिख के आओगे और नंबर ही नंबर बरसेंगे। ठीक है, तो अब याद करने का भी मैं कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है भाई, मेरे साथ बस आपको बने रहना कि भाई हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र का शुक्ल बड़े जो नाम है उनका बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जन्म 1886 में हुआ था। इनको हिंदी का जो है गद्यकार, सर्वोच्च गद्यकार माना जाता है, क्योंकि ये गद्य में अपना जो है लिखते थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने सुव्यवस्थित करने का विशेष योगदान रहा है। मतलब कि भैया हिंदी साहित्य में अगर योगदान किन्हीं का रहा है तो वी कैन से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, मैं एकदम जो मेन पॉइंट आपको याद कर दूंगा ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हिंदी आलोचना के जनक के रूप में लिया जाता है, समझ में आया? उन्होंने मानव मनोविकारों पर निबंध लिखकर मनोवैज्ञानिक और वैचारिक निबंध को न केवल शुरुआत की, ओ माय गॉड, बल्कि उसे शीर्ष तक पहुंचा, मतलब बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। तो इसको याद कैसे करेंगे भैया? पहली बात कि हिंदी जो आलोचनाओं में इनका नाम लिया जाता है, बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है। ठीक है, उन्होंने मानव मनोविकारों पर निबंध लिखकर न कि मनोवैज्ञानिक तथा और वैचारिक निबंध को न केवल शुरुआत की बल्कि उन्हें क्या किया? शीर्ष तक पहुंचाया, मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं इजी पॉइंट बताऊंगा, बस आप उतना लिखोगे आपको नंबर बरसेंगे। ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय और आशंका को भी समझाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भय और आशंकाओं को भी समझाया। भय में दुख के कारण से साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन आशंका में दुख कारकों को साक्षात्कार की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इतना जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग को भी उतना ही लर्न करना। ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, नौ आपने बहुत कुछ जाना इनके बारे में। ठीक है, अब जो इन्होंने भाई लिखा है ना उसे जो है व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे सर? उसे व्याख्या करेंगे। ठीक है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविज्ञान होता है, उसी को भय कहते हैं। भाई साहब, यहाँ भय का एक्सेस वी कैन से इट इज अ डिफिनेशन ऑफ भय। तो अब इसे सर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सर ये समझ में नहीं आया हमें क्या लिखा है। मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आया, बट अपन जो है इसका व्याख्या पढ़ेंगे ना हिंदी में तो अपन को सब समझ में आ गया भाई। आलोचना, अब मैं आपको एकदम अंडरलाइन करूँगा और वो पॉइंट आपको तुरंत मैं समझा देता हूँ कि भाई भय क्या होता है। ठीक है, अब दो मिनट का टाइम दो। भावपूर्ण पंक्ति आचार्य रामचंद्र के भय शीर्षक, वही चीज़ ज्ञान पेलना है कि भाई ये जो पंक्ति है ये भय से लिया गया है। जिनके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो पेल दोगे ज्ञान है, बस वही बातें बनाना सीख लो भाई, बातें बनाना सीखना है आपको। ठीक है, अब मेन अपन का यहाँ शुरू होगा।
उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था भाई किन्होंने कहा, किस तरह से बात बनाया गया कि भय एक प्रकार की हमारी मानसिक अवस्था है। सही बात है, हमें डर लगता है तो हमारी मानसिक अवस्था है, ठीक है, एक तरह से हमारे मन की प्रतिक्रिया है, अच्छा, जो सापेक्षिक कार्यों से उत्पन्न होती है। ये भय का डिफाइन कर रहे हैं, भय 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 तब होता है जब हम यह जान जाते हैं कि कोई आने वाली आपदा या दुख का कारण हमारे सामने आ गया है तो हमें भय लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है, कोई हमारे सामने है, तो वो भय हुआ ना। तो वही चीज़ है भाई, आपको पता चल गया कोई आपदा आपके सामने आ चुकी है तो आपको भय लगता है, वही चीज़ बोला। मतलब यह कि भय हमें दुख से नहीं बल्कि दुख के कारणों से साक्षात्कार से होता है, समझ गए ना। मतलब आपको, आपके सामने अब दुख हो गया, आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको उससे भय नहीं लग रहा है, अगर उससे कुछ हो जाए एक्सीडेंट होने के बाद का जो भय होता है वो आपको भय लग रहा है, ठीक है, उसके कारण एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, कहीं वो चला नहीं जाए तो उसका आपको भय लगता है। हमारे इससे हमारे भीतर की प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है उससे पहचान शारीरिक परिवर्तन से भी होता है। अब आप भय में हो, आप विचलित हो तो आपका शरीर बता देता है कि आप भय में हो, ठीक हो ना, वही शारीरिक परिवर्तन, अर्थात भय की प्रतिक्रिया से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सही बात, अगर आप भयभीत हो तो आपके शरीर का हाव भाव बदल जाता है, ठीक है, जैसे जब दुख के कारण, वही दुख मैंने आपको क्या बोला, मैं दुख का उदाहरण तो मैं देख के आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं आपको दुख के उदाहरण से समझा रहा हूँ भैया, ये दुख के उदाहरण से ही तो मैं समझा रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो मैंने जितना बताया आपको समझ में आ गया ना। ये ऊपर में तो पता है कि भाई दिस पंक्ति इज, ये पंक्ति भय प्रस्तुत से ली गई है, जिनके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिखे, और नाउ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समझो ना, ये लाइन और ये लाइन लिख नहीं दोगे क्या बना के, बस और क्या, और कुछ नहीं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्रोध दुख के कारण पर कारण पर डालने के लिए आकुल रहता, अच्छा, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, मतलब से अच्छे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं अपन। प्रस्तुत गद्यांश वही चीज़ है, वही चीज़ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये सब आप बना लेंगे। आचार्य राम सुख जी ने कहा कि आदमी के सामने दुख का कारण उपस्थित होता है। भाई अब दुख क्यों है तो उसका कारण तो होगा, तो अब आपके पास कारण आ गया, तो उसके भीतर दो तरह की प्रतिक्रिया संभव है, अच्छा, मतलब आपको पता चल गया आपका दुख का कारण, तो आपके मन में दो प्रतिक्रिया होगी क्या। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि उन कारणों के प्रति उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो, उस कारण के लिए आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा। दूसरी यह हो सकती है कि उन कारणों से दूर भागने का प्रयत्न करें। समय में आया, आपको दुख है तो भैया, अगर आपको दुख है, आदमी के सम्मुख दुख का कारण, अब आप उसका कारण जानोगे तो उसके भीतर दो प्रतिक्रिया होगी। आप उसका कारण जानने की कोशिश करोगे कि आपके पास दुख क्यों है, आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों, आप कारण जानोगे तो उसके लिए आपके मन में दो प्रतिक्रिया होगी। पहली प्रतिक्रिया होगी कि भाई उस कारण के प्रति आपके मन में क्रोध आएगा, और दूसरी प्रतिक्रिया होगी उस कारण के से दूर भागने का प्रयत्न करोगे। समझ में आया, बस इतना लिख दो ना भाई, इतना लिख दो, ज़्यादा आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा लिखो, बस इतना लिख के आओ, नंबर ही नंबर है, ठीक है, टेंशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। भाई समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। पहले तो वही चीज़ लिखने का कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, भाई भय शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके जो रचयिता है वो कौन है, रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र सुख, इज्जत से नाम लेना भाई, हिंदी साहित्य जगत के इनका बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है, ठीक है। तो अभी इस निबंध में उन्होंने कहा, बस उन्होंने कहा, ये सभी तो तीनों में तो हम यही देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा, अरे वो कहे तभी तो वो निबंध बना, कि भय का विषय दो रूप में सामने आता, अच्छा भय का विषय दो रूप में सामने आता, एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। समझ में आया, यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ था लेकिन अपन को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, साध्य असाध्य, लेकिन अब समझ में आया कि भय जो है दो रूप में सामने आता है, एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। तो सर साध्य क्या होता है भाई, जिसका निवारण संभव हो सके, वो सर आपके पास एक समस्या आ गई उसका निवारण संभव है तो वो साध्य, और जिसका निवारण ही संभव नहीं हो, उस समस्या से आप कभी बाहर आ ही नहीं सकते तो वो असाध्य हो गया। बोलो बोलो कोई दिक्कत, इतना लाइन चिपका के नहीं आओगे, इतना लाइन चिपका के, अरे भय पे मैं कितना इजी बताया ऊपर में, देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन है, आपने समझ गया कि भय चैप्टर से क्वेश्चन है, तो आपने पहले आचार्य राम सुख का पूरा बता दिया, ये जन्मे इनका बहुत ही नाम इज्जत से लिया जाता है, ये सब आपने लिख दिया, चार लाइन पाँच लाइन छः लाइन या चार लाइन में लिख दिया समझो, उसके आपने पहला पॉइंट लिया उसको चिपकाया, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकेंड,
उसके बाद आपने ये पहला पॉइंट लिया, उसको यहाँ से लेके यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन किया जो जो बताया वो आपने चिपका दिया, ये तो नहीं लिख पाओगे भाई, वो तो पता ही है, बट ये सब तो चिपका दोगे ना, व्याख्या सब चिपकाए, हिंदी में समझा दिया एक बार पढ़ लोगे अपने से, फिर ये जहाँ तक मैंने आपको बताया वहाँ तक ये चिपकाओगे, दूसरा लाइन तो तीन तीन लाइन ये भी लेते जाएगा, छः छः लाइन में बढ़ते जाएगा आपका क्वेश्चन, फिर तीसरा में ये पैराग्राफ यहाँ तक बताया ना कि भाई जिसका संभव हो सके, जहाँ जहाँ हमें पीला कर दिया वहाँ तक आपको पढ़ना, आगे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ तक चिपकाओगे, तो किस तरीके से आपको अपने पेज को भरना है और आपको समझ में भी आ रहा है सबसे बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अति भय और व्याकरण, ठीक है अपन ये सब पढ़ेंगे नहीं, अपन को समझ नहीं आएगा, अपन सीधे हिंदी में आएंगे, ठीक है। तो हिंदी में वही चीज़ बोलेंगे कि भाई कहाँ से ली गई है, नहीं ली गई है, वो चीज़ें। आचार्य रामसुख ने भय को सभ्यता और शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न किया, अच्छा भय को जो इन्होंने क्या किया, शिक्षा से जोड़ दिया, कैसे सर, उन्होंने कहना चाहा कि मनुष्य जब असभ्य और अशिक्षित था तब उसके मित्र के अतिशय भय, अच्छा मतलब कि अगर जो बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा उसके मन में भय रहता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। पेड़ पर्वतों से लेकर नदियों आदि की पूजा के पीछे यही कारण था कि आदमी की अशिक्षा ने उसे भीरू बना दिया, अच्छा मतलब इनका कहना है कि अपन पेड़ पर्वत नदियों की पूजा कर रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण था कि आदमी अशिक्षित था क्या। अति भय और व्याकरणों को सम्मान करना असभ्यता का प्रमाण, अच्छा अति भय और व्याकरणों का सम्मान करना ये सच, तो ये भी आप लिख दोगे, बोलो कोई दिक्कत है कि भाई पेड़ पौधा का पूजा करता, मैंने अपने भय को शिक्षा जोड़ा, शिक्षा क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अगर रहता तो वो ये सब काम नहीं करता, अगर मनुष्य जब असभ्य और अशिक्षित था तब उसके मन में भय जन्म गया, समझ गया ना, वही चीज़ सबको चिपका देना आपको, ठीक है। चलिए तो भाई कंप्लीट हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, समझ में आ गया, कितनी इज्जत से समझाया आपको, याद भी कराने के मेरे जिम्मे, मैंने इससे समझाया कि आपको याद करा दे, एक ही बात को दो दो बार बोला, इस वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, दिमाग में नहीं बैठेगा तो बोलना, ठीक है सर। नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स जो है ना ये मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल बैहो कॉमर्स क्लास, समझ गए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, मस्त पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को एक लाइक तो बनाओ यार, हिंदी का यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा भाई, अपन बता रहे हैं, ठीक है ना, तो एक लाइक तो बनता है। तो गाइस 12 मिनट 20 सेकंड अपन को लगे और अपन ने इस क्वेश्चन को निपटा दिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन निपटाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में बोल दो, ठीक है।